ये है एक्ने एंड ये है पिंपल्स, दोनों में स्लाइटली डिफरेंस है। वीडियो में बने रहो, आगे पता चलेगा। रेड कलर के बटन को प्रेस कर दो, इट्स टोटली फ्री, एंड हिट दी बेल बटन जिससे आप नोटिफाई होते रहेंगे। डू नॉट स्किप द वीडियो। Hi everyone, welcome back to my channel. मैं हूँ ज्योति। Today I'm going to share another useful video with you. Yes, in this video I'm going to share difference between acne and pimples. Yes, आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ acne and pimples में क्या difference होता है, plus यहाँ पर मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मोदी केयर के कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स यूज करने चाहिए जिससे इस प्रॉब्लम का आपको सोल्यूशन इंस्टेंटली मिले। पिंपल्स में बहुत बड़ा डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है, स्लाइटली डिफरेंस है, एक दूसरे से कनेक्टेड हैं ये दोनों प्रॉब्लम्स। एक्ने इज अ डिजीज एंड जो पिंपल्स होते हैं वो उस एक्ने के सिम्टम्स माने जाते हैं। हम इसे इस तरह से समझ सकते हैं कि जब हमारे फेस में दाने निकलते हैं तो हम उसे पिंपल्स के रूप में मान सकते हैं, क्योंकि वो एक स्टार्टिंग होता है। वो ब्रॉडली हमारी स्किन में स्प्रेड होते हैं, फैल जाते हैं, तो उसे हम एक्ने कहते हैं। हम समझते हैं कि हमारे फेस में एक्ने या पिंपल्स आते कैसे हैं। हमारी स्किन में पोर्स होते हैं, हेयर फॉलिकल्स होते हैं एंड ऑयल ग्लैंड्स होते हैं। तो पोर्स एंड ऑयल ग्लैंड्स जब मिल जाते हैं तो ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं एक्सेस ऑयल प्रोडक्शन के लिए, एंड एक्सेस ऑयल प्रोडक्शन मींस होता है सीबम। तो सीबम एंड ग्लैंड्स हेयर फॉलिकल से कनेक्टेड हो जाते हैं, इट मींस कैनल से कनेक्टेड हो जाते हैं, तो बैक्टीरिया बिल्ड होने लगता है, एंड बैक्टीरिया बिल्ड होता है जिसकी वजह से हमारी स्किन में इन्फ्लेमेशन की प्रॉब्लम भी स्टार्ट हो जाती है। प्रॉब्लम के स्टार्ट होने के बाद ही हमारी स्किन में हमें रेड कलर का पिंपल यानी कि एक्ने नजर आता है। आई होप आपको समझ में आया हो कि हमारी स्किन में पिंपल्स एक्ने में क्या डिफरेंस होता है और इनके हमारे फेस में आते क्यों हैं। अब जान लेते हैं कि इनके कॉजेस क्या होते हैं, इनके रीजंस क्या। सो वी हैव नॉट एग्जैक्ट कॉजेस और रीजन ऑफ एक्ने एंड पिंपल, बट वी हैव सम एक्सपीरियंसेस ऑफ सम पीपल्स जिनकी वजह से हमें ये पता चलता है कि उन लोगों के क्या एक्सपीरियंसेस रहे हैं एक्ने एंड पिंपल्स के। सबसे पहला रीजन यही माना जाता है कि जब हार्मोनल चेंजेस होते हैं उसकी वजह से एक्ने पिंपल्स बहुत ज्यादा फेस करने पड़ते हैं। जो हमारे प्यूबर्टी की एज में आता है, इट मींस टीनेजर, जो 13 से स्टार्ट हो जाता है। सेकंड आता है प्रेगनेंसी के टाइम, थर्ड आता है मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम। काफी सारे लोग इस बात से रिलेट भी कर रहे हो कि उनके किस किस टाइम पे ये पिंपल्स वाले प्रॉब्लम आती है। सेकेंड रीजन ये होता है कि जब हमारे फेस में एक पिंपल आता है तो हम उसे स्क्वीज करने में लगे रहते हैं, स्क्वीज मींस उसे फोड़ने में लगे रहते हैं, उसकी वजह से बैक्टीरिया बिल्ड होता है। उसकी वजह से जब हम अपनी स्किन के साथ बहुत ज्यादा हार्श हो जाते हैं, बहुत ज्यादा एग्रेसिवली स्क्रबिंग करते हैं, क्लीनिंग करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी स्किन में ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, बिकॉज हमारी स्किन बहुत ज्यादा जेंटल होती है, उसे जेंटल ट्रीटमेंट की जरूरत होती है। नेक्स्ट रीजन इज हाई ह्यूमिडिटी, एंड इस टाइम पे ह्यूमिडिटी हो रही है, काफी सारे लोग रिलेट भी कर पा रहे होंगे कि इस टाइम पे उनकी ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो रही है। नेक्स्ट रीजन आता है कि जब आप चीप क्वालिटी के प्रोडक्ट्स अपने फेस में अप्लाई करते हो तो हमारी स्किन ना रिएक्ट करने लग जाती है पिंपल के रूप में। अगर आपकी स्किन ऑयली है और आप ऑयल बेस्ड प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हो तो भी आपकी स्किन में पिंपल्स आ सकते हैं। काफी लोगों का ये भी मानना है कि जब भी वो स्पाइसी फूड खा लेते हैं, जंक फूड, ऑयली फूड खा लेते हैं, फ्राइड चीजें खा लेते हैं, उसके बाद उनके फेस में एक्ने पिंपल्स स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये सारे एक्सपीरियंसेस के अकॉर्डिंग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं। अब बात कर लेते हैं प्रिवेंशन की। प्रिवेंशन मींस जो प्रॉब्लम आने से पहले कुछ प्रिवेंशन हम फॉलो कर लेना तो वो प्रॉब्लम को हमें फेस ही नहीं करना पड़ेगा। फर्स्ट इज वी हैव टू फॉलो सम स्किन केयर स्टेप्स फॉर डेली रूटीन, जो मैं आपके साथ बहुत सारे ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। अगर आपने वो मेरी वीडियोस नहीं देखी है तो प्लीज विजिट टू माय चैनल, यू ऑलवेज मोस्ट वेलकम। के लिए आपको फर्स्ट स्टेप यही होना चाहिए, वॉश योर फेस विद नॉर्मल वाटर विद माइल्ड क्लींजर। सो क्लींजर के लिए मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी, जिन लोगों की ड्राई एंड सेंसिटिव स्किन होती है उनको मोरक्कन अर्गन ऑयल क्लींजर ही यूज करना चाहिए। ये बहुत बेस्ट रिजल्ट देता है ऐसी स्किन के लिए, बट जिनकी ऑयली स्किन है उन लोगों को एप्रिकॉट एंड टी ट्री ऑयल वाला क्लींजिंग जेल ही यूज करना चाहिए। स्टेप आपका इमीडिएटली ये आता है कि आपको टोनर जरूर अप्लाई करना चाहिए, अदरवाइज आपके जो पोर्स होते हैं, जो बाय क्लींजिंग आपके ओपन हो रखे होते हैं, उनको आपको मिनिमाइज या श्रिंक करने की जरूरत होती है, अदरवाइज आपके पोर्स क्लॉग्ड हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पर आप सबको सजेस्ट करना चाहूंगी ऑल स्किन टाइप्स को कि आप यहाँ पर श्लोका का 3-in-1 टोनर जरूर अप्लाई करें। मेकअप जब आप यूज करें तो बिल्कुल भी चीप क्वालिटी की ना करें, उससे हमारे स्किन में रिएक्शन होता है, पिंपल्स आते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगी मोदी केयर के इंटरनेशनल क्वालिटीज के प्रोडक्ट्स ही आप यूज करें, जो है मेड बाय इंडिया बट क्वालिटी वाइज इट्स इंटरनेशनल लेवल। एंड मेक श्योर आप कभी भी मेकअप अप्लाई करें अपनी स्किन में, फाउंडेशन, कंसीलर, उससे पहले आपको प्राइमर जरूर अप्लाई करना है। जब भी आप घर से बाहर निकलो तो आपको सनस्क्रीन जरूर अप्लाई करनी चाहिए। पर आपके साथ शेयर करूंगी मोदी केयर का
SPF 30 श्लोका रेंज का ये सनस्क्रीन हमारे स्किन को अच्छे तरह से 5 आवर्स तक प्रोटेक्शन देता है। सारे प्रिवेंशन फॉलो किए बट आपकी तब भी पिंपल्स आ गए हैं तो स्क्वीज नहीं करना, नेल का तो बिल्कुल टच नहीं करना, बिकॉज इससे बिल्ड होते हैं आपके बैक्टीरिया और आपका पूरे इवनली फैल जाएंगे और आप उसका कुछ भी नहीं कर पाओगे। क्योंकि भी ऑयली स्किन होती है ना, उनके फेस में पिंपल्स एक्ने की प्रॉब्लम ज्यादा देखने को मिलती है। मैं यहाँ पर आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर जो है फेयरनेस जेल। ये इतना अच्छा फेयरनेस जेल है कि आप इसे एज अ मॉइस्चराइजर यूज कर सकते हो, प्लस इसमें SPF 14 भी है जो आपको एज अ सनस्क्रीन फेस पैक की। तो यहाँ पर मैं आपके साथ शेयर करूंगी मोदी केयर का नीम एंड रोजमेरी फेस पैक। नीम आपको पता है कितना ज्यादा यूजफुल होता है हमारी स्किन के लिए एंड पिंपल प्रॉन स्किन के लिए तो बिल्कुल बेस्ट। मेरी वीडियो टी ट्री ऑयल आइस क्यूब वाली नहीं देखी तो मेक श्योर उस वीडियो को जरूर चेक आउट करना। उस वीडियो में मैंने आपके साथ इतने सारे बेनिफिट्स उस आइस क्यूब के शेयर किए, तो उस वीडियो को जरूर चेक आउट करना। फॉलो करने के बाद आपको इंटरनली भी कुछ चीजें फॉलो करनी होगी। आपको हेल्दी डाइट पे फोकस करना है, अगर आप अंदर से हेल्दी रहोगे तो बाहर से भी आप हेल्दी ही लगोगे। हमारे जो पोर्स है ना उनको क्लीन रखने की कोशिश करना, उसमें बिल्कुल भी ऑयल या डॉल्यूशन बिल्कुल भी नहीं देना। अगर घुस जाए तो उन्हें जरूर क्लीन करना, अदरवाइज आपको बहुत सारी स्किन की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। सो या आई होप आपके लिए मेरी वीडियो हेल्पफुल रही हो। अगर रही हो तो मेक श्योर मेरी वीडियो को भर भर के लाइक दे दो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, यहाँ पर रेड कलर का बटन है उसको प्रेस कर दो, नोटिफिकेशन बेल आइकन आएगा उसको भी हिट कर दो, डेली वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी और आप एक भी वीडियो मेरी मिस नहीं कर पाएंगे। सो या टिल देन बाय बाय।